इस्लामाबाद से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने सीनियर सहाफी मोहसिन बेग की नाजायज असलहा रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। मुलजिम मोहसिन बेग की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत जुडिशल मैजिस्ट्रेट वकार हुसैन गोंदल ने मंजूर की। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने सीनियर सहाफी मोहसिन बेग की नाजायज असलहा रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी से। उमर बताइए, मोहसिन बेग केस के हवाले से क्या ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, सीनियर सहाफी मोहसिन बेग की नाजायज असलहा रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर की गई है। और ये मुकदमा जो है गुज़िश्ता इतवार को पुलिस की जानिब से मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज किया गया था, जब मोहसिन बेग पुलिस की तहवील में थे। पुलिस ने एफ आई आर में ये मौकफ अपनाया था कि मोहसिन बेग के घर से एक असलहा बरामद हुआ है, जो कि मोहसिन बेग ने खुद साथ जाकर असलहा ये बरामद करवाया है। और इस पिस्टल में दो लाइव राउंड भी थे और इसको जो है इसके हवाले से मोहसिन बेग कोई लाइसेंस पेश नहीं कर सके, इसलिए पुलिस ने जो है पंजाब ऑर्डिनेंस आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था। शाम आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार हुसैन गोदल है, उन्होंने इस जमानत के हवाले से समाप्त की और जो वकील सताई थे आजम खान वो अदालत में पेश किए और उन्होंने कहा कि मुकदमे में लगी दफात काबिल जमानत जुर्म है, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। जिस पर अदालत ने 30,000 रुपये के मुतलकों के इवज मुलजिम मोहसिन बेग की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। ये बताना भी यहाँ जरूरी होगा कि मोहसिन बेग इस वक्त जो इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था उसके तहत जुडिशल रिमांड पर जेल में है और उनको 14 रोज बाद जो है वो दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर, आपने तफसीली अपडेट किया।